Dear students, today class 10th math worksheet number 63 mean by assume mean method. Assume mean method means you can write as formula x bar equal to a plus sigma ft upon n, where n is the sum of frequency and d is the deviation xi minus a, and a is assume mean. Now you can see in the worksheets, आपकी वर्कशीट में जो गिवन है उसको आप देख सकते हैं कि आप कैसे इसको करेंगे। तो ये एक बार दिखा दें आपको कि वर्कशीट में आपको जो गिवन है उसको आप कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे। तो ये वर्कशीट में आपको गिवन है और स्टेप टू स्टेप आपको करने के लिए बोला गया है। ये फॉर्मूला है, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए कि आप एग्जाम्पल्स को इस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको सिग्मा एफ आई निकालना है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी है। सेकेंड में, दूसरा एग्जाम्पल में आपको नॉर्मल फाइंड करना है मीन। फिर आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसमें आपको मिसिंग वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपके पास एक सिंपल मीन भी फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू वर्कशीट दैट हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमें क्वेश्चंस क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहला वर्क क्या है कि जितना भी हमारे पास है उसमें इसको टेबल के फॉर्म में बनाना चाहिए, और टेबल में फर्स्ट जो इंटरवल है वो आपका डेली एक्सपेंसेस होगा। डेली एक्सपेंसेस सेकेंड में आपके पास नंबर ऑफ हाउस होल्ड आएंगे, जिसको आप फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर सकते हो या क्लास इंटरवल भी कह सकते हो। ये दो कॉलम आपको गिवन होते हैं, ठीक है। देन जो थर्ड कॉलम आपको फाइंड करना होता है, बनाना होता है, उसको कहते हैं क्लास नंबर। जिसको आप x से डिनोट करते हो, x i या y। इसके बाद आपके पास आता है डेविएशन, ठीक है, जिसको आप d से डिनोट करते हो, d i equal to f i minus a। और लास्ट में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे f i into d i। ये आपके पास टेबल के फाइव कॉलम्स बनते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्लास इंटरवल दिया गया है, उसमें आपको मार्क करना है। ये है 150, 152, 100, 202, 250, 250, 300 एंड 300 to 350। ये आपके पास जो कॉलम बनना चाहिए, जो टेबल बननी चाहिए, वो आपके पास टेबल आ गई। इस तरह से आप टेबल बना लेंगे, और ये आप कॉपी में जब बनाएंगे तो स्केल और पेंसिल की आपसे बनाएं, क्योंकि इनकी कहीं दस्त करने की जरूरत पड़ी तो आप भी उसको कर सकते हैं। देन आपके पास नंबर ऑफ हाउस होल्ड मीन फ्रीक्वेंसी को आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 4, ये 5, ये आपके पास 12, 2 एंड 2। अब आपके पास नेक्स्ट काम वर्क करता है कि आपको फाइंड करना है यहाँ पर जो सम है वो आपका क्वांटिफायर है, जिसको आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हो या सिग्मा f i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये क्वांटिफायर है। अब x i क्या होगा? x i आ गया आएगा एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट्स, माइनस दोनों को ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो आएगा 125। फिर सिमिलरली यहाँ भी ऐड करेंगे तो ये 350 का हाफ हो जाएगा 175। फिर यह आएगा 225, 275 और यह आएगा 325। देन डी आई आप फाइंड करेंगे तो डी आई में आपके पास ए, यहाँ लेट करना पड़ेगा व्हाट इज ए, और ए इज एज्यूमिंग द मिडल पॉइंट ऑफ कंसीडर कर लें 225 एट दिस। तो यहाँ पर 225, अब यदि आप 125 माइनस 225 करेंगे तो माइनस 100 आएगा, यदि 175 माइनस 2 तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 400, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 250, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो,
ये बन रहा है कितने का 100 और ये बन रहा है कितने का 200। अब ये यहां से आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये 650 और ये 300, तो ये डिफरेंस आया -350। अब ये -350 आ गया। अब आपको यहां फॉर्म लेंगे, इसको फॉर्म यूज कर दें तो यहां प्लस आएगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d अपॉन n, तो मैं यूज करेंगे 225। यहां प्लस है बट यहां माइनस है, तो आप -350 डिवाइड बाय 25 करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास 25 से कैंसिल करेंगे, तो 14 और यहां 225 14 करेंगे, तो 12 द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपसे बात क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके पास इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट उसमें आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास डेटा गिवन है, उसको आप एज ए टेबल रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले डेली पॉकेट अलाउंस, सबसे पहला कॉलम है डेली पॉकेट अलाउंस में आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, पॉकेट अलाउंस में जिसको आप क्लास इंटरवल भी कहते हैं, इस तरह से मार्क कर रहे हैं, तो पॉकेट अलाउंस या क्लास इंटरवल क्या होगा वो आपको गिवन है। ये 11 रुपीज से 13 रुपीज है, 13 to 50 है, 15 to 17 है, 17 to 19 है, 19 to 21 है, 21 to 23 है और 23 से 25 आप मिलेंगे। और ये आपके पास फिर आया नंबर ऑफ चैलेंजर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को आप F5 से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आएगा आपके पास। अब यहाँ जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो आपके पास 7, 6, 9, 13 देन F5 एंड 4। अब आपको यहाँ से सम फाइंड करना है, इसको सिग्मा F5 भी कह सकते हैं, तो इसको करेंगे आए तो ये F+44। यहाँ आपको चाहिए एक्स आई मीन क्लास मार, उसको कहते हैं जिसको एक्स आई कहते हैं। फिर आपको चाहिए डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, फिर एफ आई इंटू डी आई, इस तरह से आप ये मार्क कर सकते हैं। आपके पास 5 कॉलम्स हो गए। अब आप देखेंगे कि यहाँ आपका जो सम और डिफरेंस जो आ रहा है एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर देखेंगे, तो आप जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसमें आपके पास यहाँ दोनों का सम और हाफ करेंगे तो आएगा 12, यहाँ दोनों का सम और डिफरेंस करेंगे 14, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ आएगा 18, यहाँ आ जाएगा आपके पास 20 और ये आपके पास आ जाएगा 22 और इसको 24। अब आप यहां देखेंगे कि ये आपके पास मिडिल वैल्यू में क्लास मार्क आ गया, जिस और इसमें से हम एज्यूम की ए 18 पॉइंट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 18 एंड आल्सो एक्स बार इक्वल टू 18, ये भी आपको 18 दिया, ये हमने लेट किया एज्यूम की 18। अब आप करेंगे डी फाइंड करेंगे, तो डी फाइंड करने में क्या होगा कि यहां से 18 को माइनस करेंगे 12, 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 इज 0, 20 माइनस 18 इज 2, दैट इज 4 और इज 6। अब आप क्या करेंगे कि यहां से d को और f से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां 7 का माइनस 42, 6 हो गया माइनस 24, 9 हो गया 18, 13 इज 0, f into 2 square होगा, then 5 into 2 is 20 and 4 is equal to 24। ये इस टाइप से आपके पास सम आएगा। अब यहाँ सम क्या निकालना है आपको, f i d i निकालना है। तो अब देखेंगे इनका सम निकालेंगे, तो सबसे पहले ये जो 2f है जो वेरिएबल टर्म्स है उनको आप सेपरेट करें लिखेंगे,
और ये देखेंगे ये 44 है और इन दोनों का सम, तीनों का सम देखेंगे तो ये का जो डिफरेंस आ रहा है वो 40 आ रहा है। आपके पास सिग्मा एफ भी आ गया, एफ बार आ गया, ए आ गया और सिग्मा एफ आई भी आ गया जिसको हम हैंड सेंटर में करेंगे। यहां आपके पास फॉर्मूला है एफ बार टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन कह दें तो एक्स बार अगेन ए भी अगेन और ये आपके पास सिग्मा एफ भी आपने फाइंड आउट किया कि ये है आपके पास 22f-40 डिवाइड बाय f प्लस 4। अब यहाँ 18 18 कैंसिल कर सकते हैं, जीरो जाएगा और यहाँ करेंगे तो जीरो इक्वल टू 2f-40f-24 और यहाँ से आप देखेंगे तो 2f-40=0, 2f=40 और f=20, जो मिसिंग वैल्यू है आपके पास उसकी वैल्यू 20 आ गई। इस तरह से आपके क्वेश्चन थे दोनों आप इस टाइप से करेंगे, आप केयरफुली इसको समझ लें और आप अपने डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन कर लें।